जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम आपको जो चीज बनाएंगे बताएंगे जो आज तक आपको नहीं मिला वो चीज। अब हर कोई आपको बोलता है रहता है कि रेनेटस नोवा को कोई कॉपी नहीं कर पाए या रेनेटस वेलनेस का जो प्रोडक्ट है इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। कैसे बोलते हैं, कभी दिल में ये क्वेश्चन आया? अरे जोर से बोलिए, मन खोल के बोलिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ क्वेश्चन है तो सुन लीजिए। अगर कोई भी कंपनी, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं, कोई भी कंपनी हमारा जो 12 इंग्रेडिएंट्स है उसका पाउडर बना के उसको मिला के अगर दे देता है रेनेटस नोवा के तरह, वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना रेनेटस नोवा काम करता है। क्यों? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है नैनो फूड का। ये नैनो फूड क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी इज अ पोटेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ फूड मेकिंग टेस्टियर टेस्टियर हेल्दियर एंड मोर न्यूट्रिशियस। हेल्दी भी बनाएगा मोर न्यूट्रिशियस भी करेगा। टू जेनरेट न्यू फूड प्रोडक्ट्स न्यू फूड पैकेजिंग स्टोरेज सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी टू फूड्स। नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी एनहेंस द फूड फ्लेवर टेक्सचर टू रिड्यूस द फैट कॉन्टेंट। फैट कॉन्टेंट अगर कम होगा तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा बॉडी में जाएगा। फैट अगर कम होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है तो ऑटोमेटिकली ओबिसिटी भी कम होगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारा बॉडी में सैचुरेटेड या मोनोसैचुरेटेड फैट बना के हमारा बॉडी का टमी को बढ़ाता है। तो ये नैनो फूड से बना हुआ है। नैनो एनकैप्सुलेशन इसके बाद है। नैनो एनकैप्सुलेशन, ये नैनो एनकैप्सुलेशन क्या है? नैनो एनकैप्सुलेशन ये है, इट इज द नैनो एनकैप्सुलेशन इज अ डिफाइंड टेक्नोलॉजी टू पैक द सब्सटेंस एज अ विटामिन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन एंड लिपिड एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट यूजिंग दिस टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल सप्लीमेंट फूड टू एनहेंस द फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी को एनहेंस कर देगा और स्टेबिलिटी को भी एनहेंस करेगा। एनकैप्सुलेशन सिस्टम एनहेंस द परफॉर्मेंस एंटीऑक्सीडेंट बाय इंप्रूविंग देयर सॉल्युबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी को ना डिस्टर्ब करते हुए जो नेचर है वो नेचर को एज इट इज प्रिजर्व करते हुए उसका जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका जो विटामिन है उसका जो फंक्शनलिटी है वो नैनो एनकैप्सुलेशन से बढ़ाते हैं हम लोग। जो के दूसरे जगह पर अगर मान लीजिए कोई मैंगोस्टीन को लेके पाउडर बना के खाएगा तो उसको नैनो एनकैप्सुलेशन पता नहीं है। और नैनो एनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो इसका पोटेंशियल फॉर्मूला है वो यूनिक सेब रेनेटस मैनेजमेंट के पास ही है और दुनिया के किसी भी मैनेजमेंट के पास इसका फॉर्मूला नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये मेरा प्रीवियस रिसर्च था एजीएनपी के ऊपर सिल्वर नैनो पार्टिकल के ऊपर। जो कॉन्सेंट्रेशन एशिया और ईस्टर्न यूरोप में सबसे कम मैं ही बनाया था। तो मैं जो चीज बना लिया उससे हो सकता है आगे भी कुछ बढ़ेगा लेकिन वो नहीं हो सकता। That is called nano encapsulation. इसके बाद nano encapsulation in probiotics and prebiotics, आपने जैन प्रो के बारे में सुना है ना? जैन प्रो में prebiotics and probiotics यूज किया हुआ है along with the nano encapsulation of probiotics and prebiotics. इसमें क्या है? मोटा मोटा शब्दों में समझिए, ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, अगर कोई भी प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स प्रोटीन बनाता है तो उससे कई गुना ज्यादा काम करेगा, स्टेबिलिटी से काम करेगा और साइड बाय साइड साइड इफेक्ट नील हो जाएगा। अगला जो टेस्ट का बात है वो अगर आप बोलेंगे तो बढ़ा कमा सकता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन ये चीज बरकरार रहेगा। उसके बाद नैनो सेंट्रलाइज नैनो साइज सेल्फ असेंबलेड लिक्विड स्ट्रक्चर।
हम लोग इसको लिक्विड स्ट्रक्चर में डेवलप कर दिया। तो अगर इसको कोई सोचे कि भाई रेनेटस नोवा या जैनप्रो का या जेंटस का कोई प्रोडक्ट को लैब में लेके उसको तोड़ के मोड़ के मचोड़ के उसका कॉम्बिनेशन निकाल ले, ऐसा क्या संभव है? उसमें भी मैंने एक चलाती कर दिया। क्या चलाती किया? जब भी उसको डालने के लिए डालोगे तो उसको थोड़ा ही सिचुएशन में प्रोसेस में चेंज होने से ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा, घंटा। समझा? रिजल्ट प्रूविंग प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है। बिना कोई साइड इफेक्ट के आज ही ऑर्डर करें रेनेटस नोवा, आपके भरोसे और फिटनेस का साथी।